मिनी शादी डीजे मिनी कार। एक गांव में किशनदास नाम का एक धनवान रहता था। वो गांव में बड़ा कंजूस का नाम कमा रखा था, इसीलिए उनके घर के सामने भिखारी भी बिना रुके चले जाते थे। किशनदास की तमन्ना नाम की एक बेटी थी। एक दिन किशनदास की पत्नी चारुमती, ओ जी बेटी की शादी की उम्र हो रही है जानते हो ना, या फिर शादी करने से पैसे खर्च होंगे ये सोचकर अनजान मार रहे हो, यूं बोली किशनदास। अच्छा मैं तुम्हें इतना कंजूस दिखता हूँ क्या? मुझे ये दहेज वहेज पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है री। मेरे दामाद के पास खूब पैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसे दहेज के पैसों की आस नहीं करनी चाहिए। त्योहार पर ससुर को कुर्ता खरीद कर दे, लेकिन ससुर से कर्चीफ की भी आस ना रखे। ऐसा आदर्श व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ री। यूं कहा वो, यानी कंजूस की बेटी को दानवीर दामाद चाहिए। हाँ, होने से रही बेटी की शादी, यूं बोली। एक दिन अमर राजा नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ किशनदास के घर लड़की देखने आया। अमर राजा को तमन्ना खूब पसंद आई। इतने में स्विगी डिलीवरी बॉय वहाँ आया। वो, यहाँ अमर राजा कौन है जी? यूं पूछा अमर राजा। मैं ही हूँ जी, लेकिन मैंने कुछ ऑर्डर तो किया नहीं। ऊपर से ये मेरा घर भी नहीं, गांव तक नहीं है। यूं कहा किशन। तुम्हारे नाम पर मैंने ही ऑर्डर किया बेटा। हमारे घर के परंपरा के हिसाब से हम लड़की देखने आए वालों को पानी भी नहीं दे सकते। अगर खा लिए तो बात नहीं बनेगी। वैसे ही कुछ सोच है, पे ऑन डिलीवरी रखा हूँ, कैश दे देना बेटा। यूं कहा अमर राजा। ओ ऐसा क्या, कोई बात नहीं जी, कहकर पैसे दिया। इस तरह आए फूड ड्रिंक्स सब अमर राजा के परिवार के सामने रखे। अमर राजा कुछ लेकर खा ही रहा था कि किशनदास, रुको बेटा, ये फूड देखकर कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस अच्छे मौके पे जहां आप लड़की देखने आए हो, बेकार में पेट क्यों खराब करे? अरे सुनती हो, ये लेकर रसोई में कहीं कोने में फेंक दो। क्या करना है बाद में बोलता हूँ, कहते हुए आंख मारा। चारुमती गुस्से से मुंह बिगाड़ी। अमर राजा, हमारे हेल्थ के बारे में सोचने के लिए बहुत थैंक्स जी। आप तो जानते हो हमें पैसों की कोई तंगी नहीं है। आपकी लड़की भी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मेरी शादी के लिए अच्छा डीजे लगवाकर कार में गांव भर घुमाए तो बस है। बारात ये सब कई सिनेमा में देखा, तो अब बस वही ख्वाहिश है, और कुछ मत समझिए। यूं कहा किशनदास। वारे वाह, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे दामाद का ही इंतजार कर रहा था बेटा। तुम मुझे बहुत पसंद आए, तो समझ लो कि मेरी बेटी को भी पसंद आए हो। लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, हमारे वंश के परंपरा में हम बारात पे पैसे खर्च नहीं कर सकते। तुम डीजे वीजे बोल रहे हो, क्या करना है सोच रहा हूँ। यूं कहा अमर राजा। उसमें क्या है अंकल, आप इंतजाम कीजिए बस, पैसे जितना भी हो मैं दे देता हूँ ना। किशनदास, अरे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ 5 लाख दे देना तो एकदम शानदार बारात अरेंज करूँगा ना। यूं कहा। इस तरह अमर राजा शादी के 10 दिन पहले किशनदास को पैसे दिया। शादी के बारात का दिन आ गया। अमर राजा और उसका परिवार घर के बाहर तैयार होकर इंतजार कर रहे थे। इतने में एक मिनी कार और उसके सामने एक मिनी डीजे वैन आए। वे फूल बलून से अच्छे से सजाए हुए थे। उनका साइज देखकर वे दंग रह गए। इतने में किशनदास आकर, क्या देख रहे हैं, बैठिए दामाद जी, ये शादी का सीजन है ना, बड़े वाले नहीं मिले, जरा इसी से एडजस्ट कर लीजिए। यूं कहा। कुछ नहीं कर सका तो अमर राजा उस मिनी कार में बैठ गया। ड्राइवर कहाँ है जी? यूं पूछा किशनदास। इसे ड्राइवर की जरूरत नहीं है बेटा, मैं ही रिमोट से ऑपरेट करता हूँ ना, कहकर रिमोट दबाया। वो मिनी कार उसके आगे मिनी डीजे चलने लगा। उनके पीछे चलने वाले बराती उससे भी कई बड़े दिख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। गांव में बच्चे उस मिनी शादी बारात को देखकर खूब हंसने लगे। एक लड़का, वो मेरा ही व्हीकल है रे, वो किशनदास मुझे चॉकलेट देकर 2 घंटों के लिए इन्हें ले गया, कंजूस कई का। यूं कहा। वो सुनकर अमर राजा को खूब गुस्सा आया। किशनदास के बारे में सब जान गया। फिर बारात शादी के मंडप तक पहुंच गया। वहां पहले से मौजूद किशनदास अमर राजा से,
दामाद जी, एक छोटी सी परेशानी आ गई है जी। हम डीजे लगाकर गांव भर में धूमधाम किए ना, उसकी वजह से लोगों को न्यूसेंस लगा। पुलिस वाले 1 लाख जब तक नहीं देंगे छोड़ेंगे नहीं कह रहे हैं। तो फिर आप? यूं कह रहा था कि अमर राजा किशन दास को खींच कर पकड़ा। क्या रे, ये बड़ा डीजे है और इसकी वजह से न्यूसेंस हुआ? इसमें से आए गाने एक को भी सुनाई दिए क्या? तुम्हारे जैसे कंजूस पागल को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहकर खूब मारा। इतने में तमन्ना आकर, डैडी हमें आपकी जायदाद ये वो कुछ नहीं चाहिए, अमर राजा और मैं घर पर ही शादी कर लेंगे, अब हम खाने के लिए तक घर नहीं आएंगे, अब शांति मिल गई आपको? यूं पूछी। किशन दास कुछ नहीं कह सका और सर झुका लिया। कुछ दिनों बाद किशन दास जायदाद बेटी के नाम लिखकर संन्यास ले लिया।